हेलो स्टूडेंट। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेसन है वो चल रहा था, तो यहाँ तक जो हमारा था टॉपिक कल कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो है इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे? तो नेक्स्ट पेज देखिए क्या है। क्या है बेटे? द शर्माज आर वेरी वेल्दी। जो शर्माज है वो बहुत अमीर है। दे कैन लुक आफ्टर ए पुअर। क्या आएगा बेटे? हेल्दी का ऑपोजिट क्या आएगा? पुअर। नेक्स्ट क्या है? द पल्म्स आर सॉफ्ट एंड पियर्स आर हार्ड। सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या है? हार्ड। आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग एंड मैथमेटिक्स। मैं मतलब बोरिंग जो है, बोरिंग वर्ड है, मैथ और हिस्ट्री से बोर हो जाता हूँ। आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, हिस्ट्री से मैं बोर हो जाता हूँ। एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बोरिंग का ऑपोजिट क्या आएगा बेटे? इंटरेस्टिंग। बोरिंग का ऑपोजिट क्या आएगा? इंटरेस्टिंग, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्या है? सलमान बायज एक्सपेंसिव बुक्स, ही नेवर बायज। एक्सपेंसिव का ऑपोजिट क्या आएगा? चीप। एक्सपेंसिव का क्या आएगा? चीप, ठीक है बेटे। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेल्दी पुअर, वेल्दी पुअर। सॉफ्ट हार्ड, बोरिंग इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसिव चीप, ठीक है बेटे। तो आगे इसका हम देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये इधर क्लू बॉक्स है बेटे, तो यहाँ से वर्ड लेके इनको फिल करना है। फर्स्ट क्या है? एज डैश एज कोल। कोल क्या होता है बेटे? कोयला। कोयले की तरह क्या होता है? एज ब्लैक एज कोल। तो क्या आएगा? एज ब्लैक एज कोल। नेक्स्ट क्या है? एज प्राउड एज पिकॉक। जो पिकॉक है उसका प्राइड, उसको प्राउड कहते हैं बेटे, गर्व। उसको अपने आप पे बहुत गर्व होता है, तो अगर गर्व हो तो किसके जैसा? पिकॉक के जैसा, मोर जैसा। एज प्राउड एज पिकॉक। नेक्स्ट क्या है? एज वाइज एज एन ओवल। एज बिजी एज बी। एज बिग एज एन एलिफेंट। देखो, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। जो बी होती है, हनी भी होती है ना, वो बहुत बिजी होती है। हर टाइम वो वर्किंग में रहती है, बिजी रहती है। नेक्स्ट क्या है बी? बेटे हनी भी तो अगर वर्ड आता है तो हनी साथ में यूज़ होगा। बी ये क्या है? मक्खी। मक्खियाँ होती है, हर टाइम बिजी रहती है ना, बहुत बिजी रहती है, हर टाइम वर्किंग में ही रहती हैं। ये क्या है? एज वॉइस एज एन ओवल। ओवल कहते हैं बेटे उल्लू की तरह, वॉइस होना चाहिए, तेज होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम करते हैं। एज बिग एज एन एलिफेंट। एलिफेंट की तरह बड़ा होना चाहिए। एज कनिंग एज ए फॉक्स। कनिंग क्या होता है बेटे? चालाक। एज कनिंग एज ए फॉक्स, फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए। एज ब्लाइंड एज अ बैट। एज ब्लाइंड एज अ बैट, बैट की तरह अंधा होना चाहिए। एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल। ताकतवर किसके जैसा होना चाहिए? बुल के जैसा। एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल। नेक्स्ट देखो क्या है। मी सम एडजेक्टिव टेल अस द ऑर्डर इन विच थिंग और पीपल आर। तो देखो ये क्या है इधर, ये बच्चे हैं ना, एक ट्रेन में आपको दिख रहे हैं, ये सारे बच्चे हैं, ये ट्रेन में हैं। तो इसमें हमें यहाँ एडजेक्टिव यूज़ करना है, नंबर एडजेक्टिव, ठीक है बेटे। यहाँ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो देखो क्या है? पार्थ इज़ फर्स्ट इन द ट्रेन। पार्थ इज फर्स्ट इन द ट्रेन। रीना इज सेकेंड। सौम्या इज थर्ड। निकुंज इज फोर्थ। टीना इज फिफ्थ। नेक्स्ट क्या बेटे? पिंकी इज सिक्स। हैरी इज सेवन्थ। एंड जॉहन इज लास्ट। कई बच्चों ने सोचा होगा यहाँ सेवन्थ लास्ट नहीं आएगा, एट्थ आएगा। एट्थ की बजाय हम यहाँ लिखेंगे, उधर फर्स्ट है ना, तो ये लास्ट आएगा, ठीक है। लास्ट इन द ट्रेन, इस टाइप से आपने इनको फिल करना है, ओके बेटे। नेक्स्ट देखो क्या है? सम एडजेक्टिव आर यूज टू शो ऑनरशिप और बिलोंगिंग। दैट इज माई हाउस। जैसे बेटे कुछ ऐसे क्या होते हैं जो सम एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, शो करते हैं ओनरशिप, अपनापन शो करते हैं, और बिलोंगिंग नज़दीकियाँ शो करते हैं। दैट इज़ माई हाउस। जैसे हम कहते हैं दैट इज़ माई हाउस, यह है मेरा घर है। तो इसमें ऑनरशिप होगी ना, या फिर बिलोंगिंगनेस, कि घर के मैं बहुत नज़दीक हूँ, ये मेरा घर है। तो ये क्या है?
द पोजेसिव एडजेक्टिव माय शोज ओनरशिप ऑफ द नाउन। तो जो माय है पोजेसिव एडजेक्टिव, वो क्या कर रहा है, नाउन की ओनरशिप को, नाउन के अपनेपन को, नाउन के मालिकपन को, ओनरशिप क्या होती है, मालिकपन, उसको दर्शा रहा है। ठीक है बेटे, तो अब हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रॉम द ब्रैक्स। तो देखो अपने ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो करेक्ट वर्ड ब्लैंक में फिल करना है। तो देखो क्या है, द हीरो कॉम्ब हिज हेयर, द हीरो कॉम्ब हिज हेयर। नेक्स्ट क्या है, पैरेट्स केम बैक टू देयर गार्डन इन द इवनिंग। ठीक है, पैरेट्स कम टू द गार्डन इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्या है, द डॉग इज स्लीपिंग इन इट्स कैनल। ठीक है, तो डॉग का जो कैनल हो उसका खुद का हुआ ना, तो इट्स वर्ड आ गया, तो ये उसकी ओनरशिप को जो डिनोट कर रहा है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या है, ही टुक अ चॉकलेट फ्रॉम माई बॉक्स। तो यहाँ माई बॉक्स, तो माई बॉक्स की ओनरशिप को डिनोट कर रहा है ना माई, तो ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है बेटे, क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, हाउ इज योर मदर फीलिंग नाउ। तो योर क्या है, योर ओनरशिप को बता रहा है कि उसकी माँ, हाउ इज योर फादर मदर फीलिंग नाउ, तो उसकी मदर कैसा महसूस कर रही है, तो ओनरशिप को बता रहा है, तो यू आर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। द स्पैरो हैज थ्री चिक्स इन इट्स। जो स्पैरो थी चिड़िया की, उसके कितने हैं, तीन चिक्स हैं उसके अपने, तो उसके ओनरशिप को बता रहे ना इट्स। नेक्स्ट क्या है, पुट दीज कलर्स बैक इन देयर बॉक्स, उनके बॉक्स में, देयर क्या है, उनका बॉक्स, उनके बॉक्स, उनकी ओनरशिप दिख रही है ना बॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, देयर बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन। जो उनकी बुक्स हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो देयर बुक्स हो गया ना बेटा, उनकी बुक्स जो है उनकी ओनरशिप दिखा रही थी, ये क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, री राइट ईच सेंटेंस बाय एडिंग और एडजेक्टिव बिफोर ईच अंडरलाइन नाउन। तो आपने इनके साथ क्या करना है, एडजेक्टिव को ऐड करना है। देखो क्या है, फर्स्ट, रोहन एंड गीता विल बी प्लेइंग नियर ए बीच। तो इसका क्या आएगा, रोहन एंड गीता विल बी प्लेइंग नियर ए स्मॉल बीच। तो स्मॉल क्या आ गया बेटे, एडजेक्टिव, स्मॉल क्या आ गया, एडजेक्टिव। ठीक है बेटे, स्मॉल क्या आया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, माय अंकल गेव मी ए गिफ्ट, माय अंकल गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। जो ब्यूटीफुल है ये क्या आ गया, एडजेक्टिव। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या है, जारा टाइड हेयर विद रिबन्स, जारा टाइड हर हेयर विद ब्लू रिबन्स। तो ब्लू कलर, जो ब्लू है ये क्या आ गया, एडजेक्टिव। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या है, कैन यू सी द बैलून्स इन द स्काई, कैन यू सी द बैलून्स इन द स्काई। तो इसका क्या आएगा, कैन यू सी द कलरफुल बैलून्स इन द स्काई। तो जो कलरफुल है वो क्या आ गया, एडजेक्टिव, कलरफुल क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, रोहन्स फादर बॉट ए कार, रोहन के पापा ने एक कार खरीदी, रोहन्स फादर बोट एन एक्सपेंसिव कार। तो एक्सपेंसिव क्या आ गया बेटे, एक एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी बता रहे ना एक्सपेंसिव, यानी कि वो बहुत महंगा है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या है, हंटर हर्ड द रोयर ऑफ द लॉयन, हंटर हर्ड द लाउड रोयर ऑफ द लॉयन। तो लाउड रोयर क्या होता है, जोर से चिल्लाया, तो लाउड क्या आ गया, एक एडजेक्टिव आ गया। ठीक है बेटे, तो आपके लिए ये इतना ही था, तो ये आपने पूरा फिल करना है, इसको अच्छे से समझना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।